सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। नागपुर आरपीएफ और रेलवे चाइल्ड लाइन टीम ने मनाया बाल दिवस। आरपीएफ ने रेल आरक्षण ई टिकट की कालाबाजारी करने वाले आरोपों को पकड़ा। पूर्व प्रोफेसर शोभा सेन ने नागपुर यूनिवर्सिटी को भेजा पेशेंट के लिए पत्र। अब खबरें विस्तार से। नागपुर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ ज्योति कुमार संजीता की उपस्थिति में निरीक्षण वीएन वानखेड़े व स्टाफ द्वारा अध्यक्ष डॉक्टर मंगला देशकर, वरिष्ठ देशपांडे तथा रेलवे चाइल्ड लाइन नागपुर के वरिष्ठ गौरी देशपांडे व एव सदस्य ने मिलकर नागपुर में एक सेमिनार के दौरान आयोजित किया और साथ ही साथ गुलाब देकर चाइल्ड लाइन से दोस्ती की फ्रेंडशिप बैंड तक बांटे और मनाया बाल दिवस। आरपीएफ ने रेल आरक्षण ई टिकट की कालाबाजारी करने वाले आरोपी को पकड़ा। साथ ही साथ टिकट दलाल के पास करीब 90,000 रूपए, 57 रेल आरक्षण ई टिकट की जब्त। मिली जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयोग आरपीएफ नागपुर ज्योति कुमार सजिता, मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ नागपुर SECR आशुतोष पांडे के निर्देशन गठित टीम ने मारा छापा। नागपुर यूनिवर्सिटी में पूर्व में कार्यरत और नक्सली कार्रवाई में सहभागी होने के आरोप में गिरफ्तार की गई प्रोफेसर शोभा सेन को निलंबित कर उसका रिटायरमेंट का लाभ नागपुर यूनिवर्सिटी ने रोका था, लेकिन सेन ने 31 जुलाई को रिटायरमेंट होने के बाद नागपुर यूनिवर्सिटी को रिटायरमेंट के दौरान वेतन आवेदन किया है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।